तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक पैराबोलिक पाथ होता है जिसमें वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक बॉल को यू वेलोसिटी से फेंका तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। तो यू कॉस थीटा हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, मतलब एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी हो रही है हमेशा कॉन्स्टेंट हो रही है। ठीक है, तो यू एक्स कॉन्स्टेंट होगा, यू वाई पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों की वेलोसिटी पलट चुकी है। ठीक है, अभी से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। ठीक है, इनिशियल स्पीड की आधी हो जाएगी मैक्सिमम पे, तो मैक्सिमम पे क्या होगा, बस यू कॉस थीटा होगा, यू साइन थीटा तो जीरो हो जाएगा मैक्सिमम पे। ठीक है, तो यू कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ यू। ठीक है, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा वन बाई टू, तो थीटा इज इक्वल टू 60। तो ऐसे सवाल आते हैं, 2010 का ये सवाल था, 2010 में आया था ये सवाल।